हेलो गाइस, तो फिर से एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। फाइनली पहली बार हमने बना दिया ड्रैगून एमएस गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है गाइस। और तो और ये शायद डीमन किंग को भी हरा दे, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। मतलब इसके सामने नॉर्मल ड्रैगून एमएस टिक ही नहीं सकता। थोड़ा सा मैंने उसी की तरह बनाने की कोशिश करी है, जैसे उसकी भी रिंग राउंड होती है, राउंड ही लगाई है मैंने। अगर देख सको तो रेड टिप होती है, रेड मैंने लगा दी। ये जो फिंग्स हैं ये भी मैंने सेम सा ही कोशिश किया है, बट यहाँ पे मैं मेटल नहीं लगा पाया गाइस, उसके लिए मुझे माफ करना। बट मैंने जितना हो सका उतना बढ़िया करने की कोशिश की है। एक सरप्राइज भी है इसमें, वो बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। और हाँ गाइस, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर असली ड्रैगून एमएस देखना है तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, ताकि हमारा टेबल भर जाए वो वाला एक साइड का। तो मैं ड्रैगून एमएस बाय करूंगा। हाँ, मैंने अभी तक स्टिकर्स नहीं चिपकाए हैं, वो मैं चिपका दूंगा भाई, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। मुझे उसके लिए भी माफ कर देना, ठीक है। तो आज हम करेंगे ड्रैगून एमएस का रिव्यू गाइस। तो देख सकते हो ये है ड्रैगून एमएस, अगर इसको ढंग से देखना चाहो तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। थोड़ा सा येलोइश कलर है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगाई है, जिससे कि ये इसके ऊपर एक शाइनी लेयर बन चुकी है। अगर देख सको तो ये हमारा फेविटाइट जो है गाइस, उससे बनाई है मैंने भाई। बहुत ही ज़्यादा शाइनी है और वो ड्यूरेबल भी हो गया उसकी वजह से, क्योंकि अब टूटेगा नहीं ये कहीं से भी। एंड गाइस, नीचे भी मुझे लगाना था बट वो 4 घंटे लेती है सूखने में, मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ये यहाँ से निकालनी पड़ेगी भाई, कटर से बाद में निकालनी पड़ेगी। देखो बड़ी मुश्किल है इसको निकालना, बट ठीक है, निकल जाती है हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाद में फिनिशिंग दे दूंगा मैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि मुझे नीचे भी लगानी है यही सेम। फिर ये चमकेगा भाई बिल्कुल ऐसे, ये ठीक है। सरप्राइज जो है वो है ये, दिखा देता हूँ अभी। ये है गाइस सरप्राइज। ओ भाई, इसको मैं ऐसे लॉन्च कर सकता हूँ, ये देखो फटे, नाइस। आ जा भाई, आ जा वापस आ जा। ड्रैगून एमएस गाइस पेटे, फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगून एमएस रेडी है। इसका अगर वेट दिखाऊं मैं तो, अभी दिखाता हूं रुको, वेट देख लेना इसका। 103 grams इसके साथ 4 grams, ठीक है। ये इसका फेस बोल्ट है। मैंने सोचा इसका मैकेनिज्म बनाना, लॉन्चिंग मैकेनिज्म बहुत हार्ड है, इसलिए मैंने इसको डीसी वाला मैकेनिज्म दे दिया, मैग्नेटिक। और इसमें मैग्नेट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला लगाया है ताकि ये हिले ना कहीं से भी। बढ़िया है ना, ये मैकेनिज्म सबसे बढ़िया होगा क्योंकि ये बहुत तेज स्पीड में लॉन्च कर सकता है, 15,000 RPM में। इसकी स्पीड का ना तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई डेमो में, ये देखो। ओ बेटे, ड्रैगून अटैक गाइस। ये तो मैंने ज्यादा टेढ़ा लॉन्च कर दिया भाई, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। ओके, अभी फाइट करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। कल इसकी फाइट हम मेटल सीरीज से करेंगे, आज बस सीरीज से करते हैं भाई। ड्रैगून है यार, थोड़ा सा हाईलाइट होनी चाहिए इसके लिए। ये देखो फुल स्पीड, ओ शिट, दोबारा लॉन्च करते हैं गाइस। बेचारे की स्पीड ही खत्म हो गई इतने में। ओके भाई, स्पीड लगा रहा है लेकिन नहीं हो पाएगा उससे कुछ भी। एक चीज तो है, ज्यादा अग्रेसिव है। अरे भाई बंद हो, ले देके मुझे हमेशा इस पे ही आना पड़ता है क्योंकि यही स्टेडियम है जो सब कुछ झेल सकता है, इसीलिए। ओके, अब फाइट करते हैं भाई, अब कुछ दिक्कत नहीं होगी। फुल स्पीड, ओ लो, गया गया गया। कम ऑन ड्रैगून अटैक ब्रो, ड्रैगून ड्रैगून खिंडा दिया भाई, मैक्सिमम गर उड़ा के तोते से उड़ा दिए गाइस, नाइस, ठीक है। अरे भाई रुक जा, ठीक है गाइस, अब करते हैं इस महाशय से थोड़ा सा। इसमें कौन सा ड्राइवर है नीचे, ये सेम ही है भाई। ओके, ड्रैगून को ही पहले लॉन्च करते हैं। मेरे को स्टेमिना टाइप्स लाने चाहिए थे, पता नहीं क्या ले आया मैं, बट ठीक है। ओके, फुल स्पीड, लेट्स सी ड्रैगून क्या कर पाता है। कम ऑन ड्रैगून अटैक ब्रो, झंडे गाड़ दे ब्रो,
ये तो अब ऐसे ही लूसीफर बन गया गाइस दूसरा। नहीं लूसीफर तो नहीं बना, ठीक है भाई, लूसीफर से ज्यादा अग्रेसिव है ये। नाइस, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ड्रैगन एमएस तुमको हम मजे देंगे बढ़िया वाले। ओके अब बारी है इस महाशय से करने की, डेड फिनिक्स। लेट्स सी इसके सामने क्या झंडे गाड़ेगा। ओ भाई डेड फिनिक्स गाइस, देखते हैं कितना डेड रहेगा। रिंग जा चुकी है और ये भी जाने वाला है भाई, रिंग पीछे पड़ी हुई है ड्रैगन के, बट रिंग ने कुछ नहीं कर पाया और अब रिंग डेड फिनिक्स के लिए कर्स बन चुकी है। गया डेड फिनिक्स भाई, स्टैमिना फुल है। कोई दिक्कत नहीं स्टैमिना में। नाइस एंड नाइस, अटैक हो गया भाई, बर्स्ट नहीं हुआ बट ठीक है कोई बात नहीं, बर्स्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बर्स्टिंग चल जाएगा कोई बात नहीं। ओके अब बारी है अखिलेश से करने की, देखने की क्या कर पाता है अखिलेश के सामने। ये फुल स्पीड है ना, ओके फुल स्पीड है गाइस। 3, 2, 1 हो जाए शुरू एंड हो जाए शुरू। दोनों अग्रेसिव मोड्स एंड ड्रैगन ज्यादा अग्रेसिव है और ड्रैगन टूटने वाला नहीं है इतना इजीली अभी। वैसे मैंने इसको लकड़ी से बनाया है ड्रैगन को, ऊपर वाले पार्ट को, बट बाकी सारा मेटल है तो चल जाएगा काम। गया भाई गया। हाँ तो ये जो चीज़ है ना, ये ड्रैगन की लकड़ी से बनी हुई है, देखो यहाँ पे लगा है इसके बेचारे के, पर ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा यार, थोड़ा बहुत तो लगेगा। ओके अब बारी है इस महाशय से करने की, बताओ यार ड्रैगन कैसा लग रहा है। मैं ओरिजिनल से तो बहुत स्ट्रोक है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, और इसका लॉन्चिंग मैकेनिज्म भी अच्छा है, बहुत अच्छा कहूँगा मैं। वह चिचा मोन ड्रैगन अटैक ब्रो, एक टक्कर में उड़ा दे भाई, मजा आ जाएगा। पहले लगे तो नहीं होगी, ओ दूसरी टक्कर मोन ड्रैगन एक और बार, ओ भाई फुल स्पीड, फिर से स्पीड इंक्रीज कर सकता भाई ये। नाइस, ओ अब डायरेक्ट अटैक मोड में भाई, ओ बेटे झंडे गाड़ देता है यार। फाइनली गाइस मेरा सपना पूरा हो चुका है, मेरे पास मेरे से एक बढ़िया सा ड्रैगन बन चुका है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड ये राइट स्पिन है। राइट स्पिन है भाई ये। ओके ड्रैगन और ड्रोंजर ना हो तो बात का अलग है भाई, ड्रोंजर की फाइट करेंगे, ब्लैक ड्रोंजर की, ब्लैक ड्रोंजर गाइस, ब्लैक ड्रोंजर वर्सेस ये महाशय ड्रैगन एमएस है या एमएसयूवी है मुझे नहीं पता, शायद एमएसयूवी है ये। ओके ये है इसकी फुल पावर, ड्रोंजर सीधा सीधा टक्कर मार रहा भाई ड्रैगन के साथ, उसको नहीं पता ड्रैगन उसके झंडे गाड़ देगा, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा गाइस चलेगा। ओ भाई गया, एक बार और लॉन्च करेंगे हम ड्रोंजर को, ड्रैगन की शक्ति दिखाएंगे गाइस। गया एक और बारी, बर्स्ट होते होते बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फाइट ले रहा भाई ड्रोंजर, ब्लैक ड्रोंजर, बट इतना ज़्यादा टिकेगा नहीं मुझे लग रहा है, सिस्टम मिल जाएगा इसका। ओके मेरे को एक चीज़ करनी चाहिए वो मैं करूँगा, ड्रैगन है तो थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ब्लेड्स लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ताकि वो अटैक करे भाई नट बोल्ट की तरह, नट बोल्ट की तरह, ठीक है छोटे नट बोल्ट लाऊंगा वो लगाऊंगा, फिर ये एक डेंजरस वेपन बन जाएगा वेवलेट की दुनिया में, बढ़िया हो जाएगा भाई, सिस्टम हैंग हो जाएगा कुछ भी कहो, है ना। एंड चिचा का फेस बोल्ट का है, ये रहा इसका फेस बोल्ट। ओके ड्रैगन एमएस बताओ यार कैसा लगा, ठीक है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का मेटल सीरीज के साथ फाइट करके। ओके बाय बाय गाइस।